हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय जो देख रहे हो उनके लिए, क्योंकि अगेन रिकॉर्डिंग सेशंस है हमारी ये। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि SSB वालों के लिए, UGC वाले, नेट वालों के लिए, सबके लिए रिसर्च के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं। साथ ही साथ पेपर वन के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं। तो यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी ऑफ द थिंग्स। तो आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के जो नेक्स्ट पोर्शन है वो करने वाले हैं। और जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। अगर शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चन को शेयर करके, और अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी चाहो तो व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड यस, मैंने जैसा कि बोला था कि दशहरा फीवर चल रहा था, बट अभी आपके पास 26 तक का डेट बढ़ गया है। टिल 26 यू कैन एक्सेस द 2 month पैकेज कोर्स और 2 month क्लास कोर्स फॉर द एनरोलमेंट प्राइस। दिस यू कैन एक्सेस 2 month पैकेज कोर्स एंड 2 month क्लास कोर्स UGC नेट फॉर एजुकेशन। एंड इन दीज 2 month कोर्स यू आर गेटिंग, इन पैकेज कोर्स यू आर गेटिंग सो मेनी अदर थिंग्स। हर एक चीज, टिल एग्जामिनेशन, जितने भी कोर्स रिलेटेड टू UGC नेट आएंगे, वो सब आप इस पैकेज कोर्स में एक्सेस कर सकते हो। और क्रैश कोर्स में 2 months में आपको सिर्फ कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज। सिलेबस में हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं क्लासेस, मॉक टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस होंगे। तो ये सारे आपको मिलेंगे। तो जो क्रैश कोर्स जुड़ना चाहते हो वो भी जुड़ सकते हो। एंड यस, SSB की भी कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, गाइज ऐप को डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन फ्री मॉक टेस्ट पेपर वन। आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट दी जा रही है पेपर वन की। तो जो लोग भी अटेम्प्ट नहीं किए हो या अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डू ज्वाइन। हर संडे आपको लाइव मिलती है टेस्ट, तो डू ज्वाइन दोस टेस्ट। ओके, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू रेट द ऐप ऑल्सो एंड रेट द कोर्सेज ऑल्सो फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी से सभी कोई कोर्सेज को रेट करो, सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। तो शुरू करें आज का सेशन, जल्दी से एक थम्सअप का साइन दो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक थम्सअप का साइन दो फिर हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करें। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन है, करो। ये क्वेश्चन हर बार हमारे UGC नेट में सबसे ज्यादा बार बार हर हर वक्त रिपीट होता है, तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ। क्या पढ़ा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। हम देखो, हम एक टेबल बनाते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम एक जो है टेबल बनाते हैं। ऑलवेज यू हैव सीन की एक हमारा स्क्वायर टाइप का टेबल बना होता है, जिसके अंदर चार सेक्शन होते हैं, है ना। हम यहाँ पे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो एक्सेप्ट करें, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो हम यहाँ ऐसे रिजेक्ट। और अब अगर ये ट्रू और एक्सेप्ट है तो करेक्ट डिसीजन होता है। अगर ट्रू है और हमने रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारा अल्फा, जिसको कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह देते हैं, है ना। फिर सिमिलरली अगर ट्रू है, फॉल्स है और एक्सेप्ट कर लिए, फॉल्स एक्सेप्ट कर लिए तो यहाँ टाइप टू एरर हो जाता है हमारा, और यहाँ फॉल्स है और रिजेक्ट कर दिए तो करेक्ट डिसीजन हो जाता है। तो क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट डिसीजन हो जाता है। और जब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइप वन एरर है और फॉल्स पॉजिटिव है, यानी ट्रू था हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप टू एरर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है जब भी हम बात करते हैं? तो 1 माइनस अल्फा हो जाता है जब भी हम बोलते हैं करेक्ट डिसीजन है ना। फॉल्स था, ट्रू था, हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया यानी एक्सेप्ट कर लिया। और सिमिलरली जब हम यहाँ पे बोलते हैं टाइप, यहाँ फॉल्स था और रिजेक्ट कर दिया यानी करेक्ट डिसीजन लिया, तो ये कितना होता है? 1 माइनस बीटा। इसी 1 माइनस बीटा को हम लोग पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं।
पावर ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, हम जानते हैं ये बीटा है, ये हमारा अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से टाइप वन एरर बहुत बार आप देख रहे हो सेट में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ कह रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, है ना, नल रिजेक्ट करे नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू था, तो ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, जब वो ट्रू नहीं था और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें, यानी जब वो ट्रू नहीं था यानी फॉल्स था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कौन सा है, बीटा है, यानी कि टाइप टू एरर है, बट यहाँ क्या लिखा है, टाइप वन एरर है, तो इसलिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है टू फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है टू फॉल्स है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो अब भाई ये आ गया, ये सारा आ गया आपको, पूरा वो टेबल ही पूछ दिया, तो अब आप बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ हमारा क्या, एक रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू राइट था, लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या टाइप वन एरर, ठीक है। एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज नॉट ट्रू, एक्सेप्ट एच नॉट हमने जब ट्रू नहीं था और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फॉल्स था और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो कौन सा हमारा टाइप टू एरर, तो बी का थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच व्हेन इट इज ट्रू, एच को हम रिजेक्ट करें जब वो ट्रू था, तो ये राइट रिजेक्ट है, लेकिन इसके आगे लग गया है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, इसीलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच व्हेन इट इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स था और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया, यानी करेक्ट डिसीजन लिया, और करेक्ट डिसीजन लिया यानी वन माइनस बीटा, और वन माइनस बीटा को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पावर ऑफ टेस्ट आ रहा है यानी रिजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो सही हो मतलब वो गलत होता है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये रिजेक्टिंग पावर है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट करो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट पूछा है। अभी जस्ट हमने रिसर्च में पढ़ा ना, मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, राइट। अब इसमें बताना कौन सा करेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल ये तुम्हारा बिल्कुल। अब देखो इसी फॉर्मूला को आ जाओ हम तोड़ते हैं, पहले ये फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला पे लेके आते हो, तो देखो यहाँ पे ये टू को उधर कर दें, तो ये होगा टू मीन इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस मोड, इस मोड को इधर ले जाते हैं और मीन को इधर ले आते हैं, तो होगा मोड इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, यानी ये तो सही है, ये तो सही है ना। अब यहाँ आओ ये इसको तोड़ते हैं, तो ये थ्री इंटू मीन, तो थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस मोड, अब इसको उधर लेके जाओ, तो ये थ्री मीन माइनस मीन टू मीन हो जाएगा, और ये मोड इधर ले आते हैं और मीडियन भी इधर ले आते हैं, तो टू मीन माइनस, है ना, थ्री मीन माइनस टू मीन, और हमारा मीडियन क्या हो गया, टू, तो हो गया थ्री मीडियन माइनस, इसको इसको भी सॉल्व करके देखो पूरा प्रॉपरली सॉल्व करते आ जाओ, मीन इक्वल्स टू इस मोड को इधर ही ले आते हैं, ठीक है, मीन इक्वल्स टू मोड, है ना, मोड प्लस थ्री मीन माइनस थ्री मीडियन, मल्टीप्लाई किए, तो अब ये पूरा उठा के इधर लेके चल जाते हैं, तो मीन माइनस थ्री मीन प्लस थ्री मीडियन इक्वल्स टू मोड, सिंपली ये सारा वही फॉर्मूला है, बस ये थ्री मीन और माइनस मीन, माइनस टू मीन प्लस थ्री मीडियन हो गया, अब इसको अरेंज कर दो, तो थ्री मीडियन माइनस टू मीन इक्वल्स टू मोड, यानी ये भी सही है, ये भी सही है ना, और हमारा ये भी सही है, इसको भी इधर लेके आओ, देखो सब सेम हो जाएगा, तो एक ही गलत हुआ, वो क्या हमारा, ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी अगर हम इसको भी करेंगे तो भी हमारा भी थ्री मीडियन माइनस टू मीन इक्वल्स टू मीन नहीं आ रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, थ्री, नॉट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट करो,
वेरी गुड. तो यहाँ क्या हमारा, यस, डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन मीन्स नैरोइंग डाउन एंड फोकसिंग डायरेक्टली ऑन व्हाट यू वांट टू नो. अ रिसर्च क्वेश्चन डज नॉट प्रॉम्प्ट अ रिसर्चर टू डू लिटरेचर रिव्यू. तो गलत है ना. ये तो सही है कि हाँ भाई, हम क्वेश्चंस बना देते तो स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हम क्या करने वाले, क्या हमको इस रिसर्च पेपर में लिखना है या रिसर्च में करना है. बट यही क्वेश्चंस हम उसी क्वेश्चन की बेसिस पे लिटरेचर रिव्यू करते हैं. ये नहीं कि ये करता हमको ये हेल्प नहीं करता. तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है. इसे स्टेटमेंट वन ट्रू बट टू फॉल्स. नेक्स्ट करो. अब ये मैंने जानबूझ के डाला है. ये तो मैंने डाला यूजीसी नेट का क्वेश्चन. अब इससे आपको क्या पूछ सकता है सीयूईटी में और सीएसएसबी में, कोरिलेशन के लिए पूछ सकता है कि कोरिलेशन में क्या होता था. याद रखना जब भी बात करते, ये हमारा ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन है. ओरिजिन और स्केल का क्वेश्चन. ओरिजिन मतलब प्लस माइनस और स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना. तो जब भी हम मीन की बात करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ये दो चीज की, तो मीन तो मेरा दोनों चारों में चेंज होगा. चाहे आप कोई भी ओवरऑल में प्लस में चेंज करो, माइनस में चेंज करो, मल्टीप्लाई में, डिवाइड करो. स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन पे वर्क नहीं करता लेकिन स्केल पे वर्क करता है. अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन में, पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो नया में भी वही सेम नंबर से होगा. उसी तरीके से जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन ये आपके लिए स्टैंडर्ड एक ऊपर का लेवल है, हमने रिसर्च पढ़ा है उधर. तो कोरिलेशन क्या हमारा, ये चारों में से किसी पे इफेक्ट नहीं करता. कोरिलेशन जो है हमारा ना ओरिजिन पे ना स्केल में किसी में भी चेंज नहीं हो सकता. तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या है, 43 और 8 पुराना है. कह रहा है रॉ स्कोर, सभी रॉ स्कोर को 5 से घटाया गया तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन में घटाया गया है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 8. बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो. ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया. अब ये अब घटाया गया है तो ये मीन में भी घटाएंगे हम. 43 में से 8 घटा दो तो कितना आया, 38. तो हमारा यहाँ क्या हो गया, 2 ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब यहां पर देखो, है ना. अगर अब यहाँ पे हम लोग कई सारा चीज सीख चुके हैं. हम बता सकते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 39. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 39. ग्रुप के अंदर आइटम कितने होंगे, तो ओवरऑल टोटल आइटम कितने होंगे, तो 40. हम ये भी बता सकते हैं. कैसे, हम जानते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एन माइनस वन. और एन क्या होता है, एन जो ग्रुप्स होते हैं, कितने विद इन ग्रुप्स में आइटम है. तो एन ये में अब हमको एन निकालना है तो 39 प्लस 1 करेंगे तो 40 आ गया. हम बिटवीन ग्रुप भी बता सकते हैं. बिटवीन ग्रुप हमारा के माइनस 1 होता है. के माइनस 1 तो के यानी कितना है हमारा, तो के हमारा यानी ये 3 आया है, यानी के 4 होगा तभी तो 3 आया होगा. यानी बिटवीन ग्रुप में 4 है, विद इन ग्रुप हमारा टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, है ना. 40 हो गया हमारा, नहीं सॉरी 40 नहीं, कितना है हमारा विद इन ग्रुप, 39. ये तीनों को जोड़े 40. हाँ ठीक है, 40 40, है ना. तो टोटल कितना आ गया, टोटल में भी हम ये माइनस कर देते हैं तो हमारा आ गया, है ना. तो ये क्या, ये मैं आपको बता रही हूँ इनका टोटल निकालना. यानी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, हमने सीखा है रिसर्च में. ये तीन है तो हम बता सकते हैं कि टोटल ग्रुप कितने हुए होंगे. ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, इसके कंपैरिजन में बता सकते हैं ग्रुप कितना होगा. तो एक ज्यादा 4, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, एन माइनस वन. यहाँ पे कैसे निकालते हैं, एन माइनस के. हमको ये दिया हुआ है विद इन ग्रुप, एन हमको नहीं, के हमको पता चल गया तो एन निकाल सकते हैं. के कितना है, 4. 36 माइनस, है ना, के कितना है, 4. 36 प्लस 4 करेंगे तो 40, यानी एन मेरा आ गया 40. और हम टोटल भी अभी निकाले थे, 39 आ रहा था और एन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन एन इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाले तो भी 40 आ रहा है. यानी ये चीज हमारा. तो ये सारा मैंने रिसर्च में बहुत अच्छे से सिखाया है, अभी कोर्स में भी. और ये सम ऑफ स्क्वायर्स आपको दिया है तो सिंपली क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बिटवीन का निकलेगा. उसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन का निकलेगा. अब इन दोनों को जो भी मान लो, इसका x आया वैल्यू, इसका y आया, तो अब हम क्या करेंगे, x बाई वाई करेंगे तो मेरा f टेस्ट निकल जाएगा. मेरा f टेस्ट निकल जाएगा तो सॉल्व करो. 625 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 2128 डिवाइडेड बाई 36. तो सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा हमारा, 3.52 समथिंग, 3.52 समथिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Thank you.
वेरी गुड। तो यहाँ हमारा क्या होगा, वन ऑप्शन। कैसे, बोथ वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो हमारा क्या होगा, पियर्सन, पियर्सन है ना। बोथ विथ ऑर्डिनल मेजर की बात करेंगे तो ऑर्डिनल मेजर हमारा क्या होगा, स्पीयरमैन, नन प्रोबेबिलिटी, तो स्पीयरमैन हमारा है ना ऑर्डिनल। बोथ विथ आर्टिफिशियल डाइकोटोमी, जेनुइन डाइकोटोमी होता तो फाइक ऑफिशियल, लेकिन आर्टिफिशियल डाइकोटोमी है तो हमारा क्या, टेट्राकोरिक, टेट्राकोरिक। वन कंटिन्यूअस एंड वन विद अदर आर्टिफिशियल डाइकोटोमी, वन कंटिन्यूअस वन अदर, तो बाइसीरियल। यही अगर जेनुइन डाइकोटोमी होता तो पॉइंट बाइसीरियल, और दो से दो या अधिक कैटेगरी होता है, मतलब ऑर्डिनल इंटरवल या इस तरीके से नॉमिनल कैटेगरी, दो नॉमिनल या दो नॉमिनल से ज्यादा कैटेगरी होता है, तो वो हम कौन सा लेते हैं, कंटिंजेंसी कोफिशिएंट, वो कौन सा लेते हैं, कंटिंजेंसी कोफिशिएंट। तो यहाँ हमारा क्या, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोर, फील्ड ऑब्जर्वेशन, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन क्या, फेनोमेना इन नेचुरल की पॉइंट, नेचुरल सेटिंग्स। फोकस ग्रुप, तो फोकस ग्रुप हमारा क्या, यहाँ पर फोकस ग्रुप की बात करेंगे तो फोकस ग्रुप हमारा क्या, यहाँ पे गैदर प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट। फोकस ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट है, प्रीलिम, फोकस ग्रुप से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। इंटेंसिव इन है तो डिटेल्ड, इंटेंसिव से ही डिटेल्ड, और केस स्टडी है तो केस स्टडी यानी इंडेक्स स्टडी कर रहे हैं, तो कई सारे सोर्सेस से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कई सारे सोर्सेस के थ्रू, एक ही चीज के लिए कई सारे सोर्सेस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हमारा क्या, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट करो। और सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो गाइस, सभी को सेशन को लाइक करो और शेयर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा है ना। अब देखो यहाँ, यहाँ देख, आ जाओ पहले समझते तब आदमी, क्या दोनों फॉल्स है हमारा, दोनों जो है हमारा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर, सॉरी वन लिख दिया है, वन एंड टू आर इनकरेक्ट, दोनों फॉल्स है। क्यों इनकरेक्ट है, आ जाओ यहाँ देखते, कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडीज ऑफन कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर नहीं कहते हम, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरी दोनों वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर जब हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर जब भी डिफाइन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन बोलते हैं, रूट एन बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड एरर जब भी निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन है जो कि डिपेंड करेगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल साइज पे। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट करता है कि क्या वेरिएबिलिटी आ रहा है अक्रॉस सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन, है ना। स्टैंडर्ड एरर क्या एस्टिमेट करता है, कितना डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन के सैंपल से, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता है सैंपल के विदिन क्या रिफ्लेक्शन है। समझना, फिर से मैं रिपीट करूँ, स्टैंडर्ड एरर हमको बताता है
कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट किया ना उसका पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में क्या एरर आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, उस सैंपल के अंदर ही क्या डेविएशन, क्या डिफरेंसेस क्रिएट, सैंपल कितना डिफरेंशिएटेड है, सैंपल कितना हेट्रोजीनियस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। ठीक है, सैंपल कितना हेट्रोजीनियस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, और एरर बताता है उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में सैंपल मेरा कितना डिफरेंस है, सैंपल में कितना डिफरेंस है, क्या इस पॉपुलेशन, अगर सैंपल एरर जितना कम होगा यानी मेरा सैंपल उतना ज्यादा पॉपुलेशन को रिजेंबल कर रहा है, सैंपल एरर जितना ज्यादा होगा मेरा पॉपुलेशन सैंपल को उतना कम रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा सैंपल पॉपुलेशन को, है ना। तो याद रखना स्टैंडर्ड एरर जब बोल रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर अगर कम है तो बोल रहे हैं कि मेरा जो पॉपुलेशन है ना, मेरा जो सैंपल है ना वो इस पॉपुलेशन को रिजेंबल कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि मेरा जो सैंपल है ना वो इस पॉपुलेशन को रिजेंबल नहीं कर रहा। वही स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बताता है कि ये सैंपल है, अगर हम बोले स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है इसका मतलब मेरा सैंपल बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, अगर हम बोले स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम इसका मतलब मेरा सैंपल बहुत ज्यादा होमोजीनियस है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑफन कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एरर नहीं। नेक्स्ट, व्हेन नंबर ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन बिटवीन 30 to 60 डे वर कॉल्ड एज स्मॉल, नहीं तो लार्ज सैंपल कहते हैं ना, तभी तो जैसे ही लार्ज 30 या 30 से ज्यादा होता तो हम टी टेस्ट वगैरह यूज करते हैं, है ना, सॉरी जेड टेस्ट यूज करते हैं, इसलिए हमारा यहाँ क्या, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा बी ऑप्शन, कंटेक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे तो कंटेक्चुअलाइजेशन, कंटेक्चुअलाइजेशन क्या हमारा यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जब भी हम बात करेंगे किस कंटेक्स्ट में बात करें, कहाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ना जब भी कंटेक्स्ट हो तो वहाँ का सिचुएशन, इन्वायरमेंट, प्रेजेंट क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हेन एंड वेयर एन इवेंट टुक प्लेस, ये आइडेंटिफाई करना। कोरोबरेशन, कोरोबरेशन का मतलब था हम कोई चीज को आइडेंटिफाई, वेरीफाई कर रहे हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये कोराबोरेट करे, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, हम जानते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या, जब हम क्या बात करते हैं एक्सटर्नल में, जब ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सोर्स, किसी सोर्स की ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं, यानी हमने जहां जहां से इंफॉर्मेशन लिया वो कितना सही जगह से उठाया है, तो ये एक्सटर्नल, और इंटरनल जब हम क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। तो यहाँ हमारा क्या ऑप्शन, ये जरूर आएगा आपका फॉर श्योर। नेक्स्ट करो। तो कह रहा है सुटेबल फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए, कोई बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा, बस वो देखना चाह रहा है कि कौन सा क्लाइमेट स्पेसिफिक होगा, तो ये मेनली क्या करेंगे, एक्शन, क्योंकि लोकल लेवल पे, अगर थोड़ा बोलता फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट देखना चाह रहा है पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए या एक लेवल ऑफ एक लेवल पे या इस पे, तो ये हमारा क्या होगा, ये
बेसिक रिसर्च नहीं, अप्लाइड रिसर्च नहीं, फंडामेंटल नहीं, ये दोनों तो कट गए, क्योंकि अगर बेसिक बोलेंगे तो फंडामेंटल भी आएगा ही, तो ये तो हम इसी तरह ऑप्शन से काट दिए। अब मेरे पास दो ही बच रहा है ना। अगेन ये अप्लाइड जाता जब कहीं, यहाँ चूंकि अ स्कूल का वर्ड लगाया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये अप्लाइड जाता, ये अप्लाइड भी हो सकता कब, जब बोलता सुटेबल फॉर डिफरेंट स्कूल्स या सुटेबल फॉर स्टेट लेवल स्कूल्स, इस तरीके के बोलता, जितने भी स्टेट पे स्कूल्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो वो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट करो। अभी जस्ट पीछे देखा मैं, जहां मुझके डाली थी, देखो क्वेश्चन एक ही तरीके के, बस की पॉइंट से पकड़ने के होते हैं। यहाँ रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी पूछ रहा है, तो बताओ किसी इंफॉर्मेशन का, भी जस्ट हमने पीछे देखा। यस वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा इंटरनल क्रिटिसिज्म, यहाँ हमारा क्या इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, वंस अ डॉक्यूमेंट हैज बीन डिटरमाइंड टू बी जेन्युइन यानी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, और रिसर्चर नीड टू डिटरमाइन इफ द कंटेंट इज एक्यूरेट यानी इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्यूरेट है यानी क्या इंटरनल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म है ना। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज्ड फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च, कौन सा कॉमन नहीं है हमारे लिए। अभी से कई सारे क्वेश्चन है मैंने जहां मुझके तीनों एक सेम तरीके का क्वेश्चन रखा है आपके लिए। वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, ये तो फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपोज फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च, तो कौन सा नहीं है, मैनिपुलेशन है ना, कॉज एंड इफेक्ट भी है, कंट्रोलिंग भी है, याद रखना कंट्रोलिंग है बट रिग्रस कंट्रोलिंग नहीं है, एक्सपोज हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं बट रिग्रस नहीं, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल में कर पाते। क्यों रिग्रस नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल किसको करेंगे, जो चीज़ हो चुका है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि आगे ना हो या उस चीज़ को होने से रोक सकते हैं बट पूरी तरीके से नहीं। नेक्स्ट करो, और सभी को क्वेश्चन को लाइक करो और शेयर करो गाइस। वेरी गुड। यहाँ क्या, बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि होमोजीनियस सब ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं है ना। क्लस्टर तो क्या करते हैं, हम पूरे पूरे ग्रुप को पहले बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और तब पूरा एक क्लस्टर उठा लेते हैं, रैंडमली एक क्लस्टर पिक कर लेते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है। सिस्टमैटिक में तो हम के बाई एन, जितना भी इनफाइन, जब हमारे पास फाइनाइट, याद रखना की पॉइंट, फाइनाइट पॉपुलेशन होता है तब ये, जब हमारे पास हेट्रो होता है तब ये, जब इनफाइनाइट होता है तब ये, और क्लस्टर जब हमारे पास ग्रुप्स में हमें पता है कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऐसे हैं कि सब जगह वैसा ही मिलेगा, तो हम पूरा एक क्लस्टर उठा लेते हैं। नेक्स्ट करो,
वेरी गुड। तो यहाँ क्या, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि इट इज पॉसिबल टू एक्सरसाइज मच रिग्रस कंट्रोल इन द स्टडी, ये नहीं है। कंट्रोल कर सकते हैं बट रिग्रस कंट्रोल नहीं कर सकते। रिग्रस मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल कर दे उस चीज को होने से, वो पॉसिबल नहीं है। हम रैंडम असाइनमेंट नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जहां पे जो घटना हो चुकी है उसी को पिक करेंगे, तो रैंडमली तो नहीं। हमारे पास एक आ गया सामने कि हमको ये पॉसिबल नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल पहले ही मेजर करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी आफ्टर डैट, क्योंकि वो हो चुका है तब हम देख रहे हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू एनी नंबर ऑफ डिफरेंट समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस को भी, तो ये भी है बट डी नहीं है। नेक्स्ट करो, सॉरी इसका तो आंसर ही आ गया। मैं चलो कोई बात नहीं, अभी जस्ट मैं दिखा देती हूँ कि ये भी वही है। मैंने जहाँ मुझके ये दो तीन क्वेश्चंस को एक साथ रखा, क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड एक्सपोज फैक्टर, तो देखो क्या इतना बेसिक सा दिया, तो डिफरेंस यही है, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन है ना। नेक्स्ट करो, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सी, रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग देखो, हर एलिमेंट को इक्वल चांस से सेलेक्ट करने का। पर्पोजिव सैम्पलिंग, तो पर्पोजिव सैम्पलिंग हमारा ओनली दोज एलिमेंट फ्रॉम विच पॉपुलेशन सूट द पर्पज ऑफ द स्टडी आर सेलेक्टेड, जो पर्पज होगा उसी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। क्लस्टर, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हम पूरा करते हैं ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं और उसमें से ग्रुप रैंडमली पूरा ग्रुप ही डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप को उठा लेते हैं हम रैंडमली। तो ये क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड क्या है, डिवाइड द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स और तब उसमें से एक 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 को हम रैंडमली चूज करते हैं, उस ग्रुप में से रैंडमली चूज करते हैं, और यहाँ पर ग्रुप ही रैंडमली चूज करते हैं। नेक्स्ट करो, कह रहा है टीम टीचिंग का इम्पैक्ट निकालना है एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ जेंडर एंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। तो कौन कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ दो है। एक तो बोल रहा है एकेडमिक अचीवमेंट को हम दो तरीके से देख रहे हैं, टीम टीचिंग का जो है एकेडमिक अचीवमेंट पे देख रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ इसका इंटरैक्शन इफेक्ट भी देखना चाह रहे हैं, जेंडर और टाइप ऑफ मैनेजमेंट का, दो चीज। यानी एक जगह तो दो वेरिएबल भी हो रहा है और एक जगह दो से ज्यादा भी हो रहा है, तो आप कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करोगे। तो वेरी गुड, यहाँ पे हमारा क्या है, टी टेस्ट, रैंक ऑर्डर, अनोवा, काई स्क्वायर, ये सारा कुछ, टी टेस्ट, रैंक ऑर्डर, अनोवा, काई स्क्वायर, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा टी टेस्ट और अनोवा होगा, ये और ये नहीं होगा, टू और फोर। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, इम्पैक्ट देख रहे हैं तब। नेक्स्ट करो, द वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम टू वैरी बोलो, या फिर हमें बताता है कि कितने नंबर पे, कितने सैंपल को हम रिस्ट्रिक्ट है और कौन सा सैंपल है जो फ्रीडम है वैरी करने के लिए। तो क्या होगा, अब जैसे मान लो कोई सैंपल 10 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी होगी, 9। कब ये, जब जनरल, लेकिन वही काई स्क्वायर में बात करेंगे तो काई स्क्वायर में भी हमको देखना होगा कि हम किस रिस्पेक्ट में बात करें, रो और कॉलम में, तो रो और कॉलम में कैसे निकालते हैं, आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन, ये सब पढ़ाया है। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम अनोवा टेस्ट के लिए निकालते हैं तो देखना पड़ेगा बिटवीन ग्रुप है कि विदिन ग्रुप है ना। तो वो चीज है, तो यहाँ पे आप बताओ, तो बिल्कुल यहाँ क्या हमारा ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कभी भी आप निकालोगे 10 में से एक जाएगा भाई तो 9, एक है और एक में से एक जाएगा तो हार्डली 0, बट कभी भी नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा क्या, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट करो, अब ये बहुत अच्छा है, करो,
वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या ये है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम जब भी बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एक बार रुको मैंने कुछ गलत लगा दिया क्या, रुको इसको लगता है मैंने उल्टा लगा दिया है, बट यहाँ ऑप्शन छोड़ो, यहाँ पे बात करते आओ। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा क्या होगा, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी देखते हैं, तो ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्रिटिसिज्म देखते हैं, तो ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, फाइव ऑप्शन ही लगता है मैंने उल्टा बना दिया है, इसको मैंने खुद से नीचे वाला ऑप्शन फ्रेम किया था तो ये लगता है उल्टा ऑप्शन बना दिया, बट आज हम लोग कंसेप्ट से चलते हैं, इसको नीचे वाला ऑप्शन छोड़ दो, एक भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा होगा आपका। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमारा क्या आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारा क्या जाएगा, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, तो 5-3 है ना। फिलोसॉफिकल रिसर्च की बात करेंगे, तो फिलोसॉफिकल रिसर्च हमारा क्या जाएगा, तो फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, है ना, मेटा एनालिसिस, तो सी का हमारा 2 है ना। और फिर हम जब इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा क्या होगा इसमें, क्योंकि सैम्पलिंग वगैरह ध्यान दे सकते हैं कैसे सैम्पलिंग उठा रहे हैं, है ना, कंटेंट कंटेंट एनालिसिस करेंगे हम इसमें, 5-3-2-4। तो ये मैंने उल्टा फ्रेम ही कर दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन मत जाओ, यहाँ से कंसेप्ट से चलते हैं, यहाँ से कंसेप्ट से चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने ऑप्शन ही गलत बना दिया है। नेक्स्ट चले, तब नेक्स्ट करो। रिलायबिलिटी इज मोस्ट सिंपली नोन एज, रिलायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, देखो रिसर्च में यही सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यही सब क्वेश्चंस, वेरी गुड। तो क्या है, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, क्या है हमारा, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ओके, तो ये है हमारा जो क्वेश्चंस है फिनिश। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, अब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस करेंगे, आई होप आज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको डाले हैं जो प्रैक्टिस और नॉलेज, ये क्वेश्चंस इसलिए डाले ताकि आपको पता चले कि आपको यू हैव टू रिवाइज दीज टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको एट एनी कॉस्ट रिवाइज करना, और इसके अलावा भी मैंने रिसर्च के और कई सारे क्वेश्चंस फ्री क्लास में प्लेलिस्ट में कराए हुए, डू वॉच दो, अगर वो कर लोगे न्यूमेरिकल से लेके सारा कुछ कवर अप हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर विथ यू, तो डू वॉच दो सेशन ऑल्सो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और सभी को सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो, एंड यस कोर्सेज को भी और ऐप को भी रेट करो गाइस, और जो भी न्यू कोर्स में एनरोल होना चाहते हो एनरोल हो सकते हो, जो लोग भी पैकेज कोर्स में एनरोल होंगे वो पैकेज कोर्स में आप जब भी एनरोल होगे इसमें आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, इसमें आपको जो मॉक टेस्ट है सारे, इसमें आपको जो यूनिट वाइज हमारा जो अभी की पॉइंट्स वाला रिवीजन एग्जाम के टाइम होगा वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा, यानी उसके लिए आपको अलग से कहीं भी पे नहीं करना पड़ेगा, जो भी पैकेज, इसके अलावा आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस, उसके अलावा आपको पीवाईक्यू ईयर वाइज, इसके भी अलावा आपको जो है पीवाईक्यू ईयर वाइज के बाद भी आपको जो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट सब कुछ इस पैकेज कोर्स में मिलेगा, तो जो इनरोल होना चाहते हो वो इसमें इनरोल हो सकते हो, और जो क्रैश कोर्स में इनरोल होंगे हाँ उनको अभी कंप्लीट कोर्स मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू मिलेगा, बट आपको फिर एक्सपेक्टेड एंड ऑल के लिए पैकेज कोर्स में अलग से 1000 रुपीज देके इनरोल होना ही पड़ेगा, तो जो लोग क्रैश कोर्स में पहले से हो उनके लिए, अदरवाइज आपको जो डायरेक्टली वो चाहो तो वो इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो, तो आप इनरोल हो सकते हो, अगर इनरोल होना चाहते हो तो हम लोग, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, प्लीज डोंट लाइक फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।